अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास थर्ड। सिलेबस फॉर थर्ड फ्रॉम एसे, नंबर वन गुड मैनर्स, नंबर टू अवर नेशनल पोइट। स्टोरीज हैं अ क्लेवर क्रो, द थ्री सन्स। डेफिनेशन होंगी कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीफिक्स, होमोफोन्स। एप्लीकेशन आपको करनी होगी रिक्वेस्ट टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। मैस्कुलिन फेमिनिन, वर्ड्स अपोजिट, सिंगुलर प्लूरल। ट्रांसलेशंस होंगी राइट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन एंड इट्स वर्क प्लेस। इसके बाद आपको द ग्रामर ट्री जो आपकी बुक है उसका वर्क होगा। उसमें आपके टॉपिक्स होंगे, आपके चैप्टर्स हैं वर्ब फ्यूचर टेंस, वर्ब कंटिन्यूस टेंस, वर्ब्स द बेस फॉर्म, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, फाइनेट वर्ब्स, इनफाइनेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एडवर्ब्स, एंटोनियम्स एंड कंजक्शंस। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट का आपके टॉपिक्स होंगे। आपके थ्री टॉपिक्स हैं रीडिंग विदाउट सीइंग, मैमेट्स, द पार्ट। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू, उसके बाद कॉमा आएगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, द हेड मिस्ट्रेस हिना सेकेंडरी स्कूल कॉमा कराची फुल स्टॉप। रिस्पेक्टेड मैडम कॉमा कॉमे के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली कॉमा, आई बैग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इस्लामाबाद फॉर हिज बिजनेस वर्क विद माई होल फैमिली काइंडली। फैमिली के नीचे हम नेक्स्ट पैरा बनाएंगे, पैराग्राफ, काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, योर्स ओबीडेंटली एक्स वाई जेड क्लास थर्ड। या आपको जो है अपनी राइट हैंड साइड पर लिखना है। इसके बाद ये है आपका रिस्पेक्टेड, इसमें जो है हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए हमने एप्लीकेशन दी है, जिसमें है मोस्ट रिस्पेक्टफुली इन एहतराम के साथ गुजारिश जो है कि मेरे फादर जो हैं वो इस्लामाबाद तबादला कर रहे हैं जिसके लिए अपने बिजनेस वर्क के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में पूरी फैमिली के साथ बराए मेहरबानी मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्र गुज़ार रहूँगा, योर सुपरेंटली आपका फर्मा बरदार एक्स वाई जेड। यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्लास थर्ड। ये जो पैटर्न है एप्लीकेशन का, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको अपनी कॉपी में ये एप्लीकेशन लिखनी है। अवर नेशनल पोइट हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल वॉज एन फिलोसोफर एंड पोइट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम थिंकर ऑफ हिज एज। अल्लामा इकबाल जो हैं वो फलसफी और शायर थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम थिंकर ऑफ हिज एज, वो अपने दौर के जो हैं आला मुफक्किर थे। ही वॉज बॉर्न एट सियालकोट, वो सियालकोट में पैदा हुए। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट सियालकोट, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो सियालकोट से हासिल की। ही वेंट टू यूरोप फॉर हायर स्टडीज़, वो आला तालीम के लिए यूरोप चलेगा। ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर, वो वतन वापस आकर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। ही गेव द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का नज़रिया दिया। एंड रॉट द पोएम्स एंड मैनी बुक्स फॉर मुस्लिम, और बहुत सारे और नज़में लिखी और बहुत सारी किताबें लिखी मुसलमानों के लिए। ही डाइड ऑन 21 अप्रैल इन लाहौर, उनका इंतकाल 21 अप्रैल को लाहौर में हुआ। स्टोरी अ क्लेवर क्रो। वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो वॉज थर्स्टी, एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा था। ही फ्लू अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में उड़ा। सडनली ही कैच साइट ऑफ अ जग, ही फ्लू अप टू इट एंड फाउंड इट हाफ फुल ऑफ वाटर, अचानक उसकी नज़र एक जग पर पड़ी और वो उड़ा और उसने आधा जग पानी पाया। बट ही कुड नॉट ड्रिंक इट बिकॉज इट वॉज टू लो फॉर हिम,
लेकिन वो पी ना सका क्योंकि पानी जो है उसके लिए बहुत नीचे था. देन ही फ्लू टू द नियरेस्ट माउंट एंड रिटर्न विद स्मॉल बबल्स इन हिज बीक एंड ड्रॉप्ड इन टू द जग एंड मेड द वाटर राइज टू द माउथ ऑफ जग. उसके बाद क्या हुआ कि वो पानी के वो अपने करीबी चोटी की तरफ उड़ा और वो वापस अपने साथ छोटी कंकरियाँ लेकर आया अपनी चोंच में दबाकर एंड और वो उसने पानी में पानी के जग में डाल दी और उस जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर आ गया जग के मुंह तक आ गया. ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे. उसने पानी पिया और उड़ गया. मोरल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत इजाद की माँ है. लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. इनवाइट योर एल्डर सिस्टर मैरिज सेरेमनी. अपनी दोस्त को खत लिखे जिसमें उसे अपनी बड़ी बहन की शादी में आप शिरकत के लिए दावत दे रहे हैं. एग्जामिनेशन हॉल कॉमा कराची कॉमा डेट आपको डालनी होगी उस दिन की जिस दिन आप ये लिख रहे होंगे. अच्छा, उसकी ये जो है आपका जो है राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा तीनों चीज़ें. फिर उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेयर और यहाँ अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे. फिर उसके बाद कॉमा आएगा. आई हैव रिसीव्ड योर लेटर. आई एम ग्लैड टू नो डैट यू आर वेल. मैंने तुम्हारा ख़त वसूल किया जिसमें मुझे जान के खुशी हुई कि तुम खैरियत से हो. एंड यू विल बी हाईली ग्लैड टू नो डैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन 31 दिसंबर. और तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन की शादी जो है वो 31 दिसंबर को रखी गई है. आई इन्वाइट यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी. मैं आपको शादी में शिरकत की दावत देता हूँ. मी एंड माई पेरेंट्स विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू. मैं और मेरे वालदैन आपको देखकर बहुत खुश होंगे. योर ट्रूली XYZ. यहाँ जो है अपना नाम लिखेंगे Class 3. ये आपको बिल्कुल इसी पैटर्न लेटर का बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से इस कॉपी में लिखा हुआ है. यह आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल सफाई से लिखना है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो काम आपको दिया गया है वो आप कॉपी में सफाई से करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.